गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। ई लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 को और विषय संस्कृत। और संस्कृत में जहाँ तक हम लोगों ने 5वें चैप्टर तक खत्म कर लिया था, यानी कर्ता कार्यक्रम को हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 6वां पाठ, कर्म कारक। और कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? जैसे आप पढ़ते हो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने कर्म को यानी द्वितीय। आप देखोगे आज द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि द्वितीय विभक्ति का जो प्रसर्ग होता है, प्रसर्ग किसे कहते हैं? कारक के चिन्हों को। तो कारक के चिन्हों को प्रसर्ग कहते हैं। और ये द्वितीय विभक्ति है तो इसका जो प्रसर्ग होगा वह को होगा, यानी कर्ता ने कर्म को। यानी कर्म जब हम देखते हैं तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। तो अब हम आते हैं, अगर आपके पास किताब है, किताब आप खोले हैं तो काफी अच्छा होगा, जल्दी से जल्द खोल लीजिए। और पेज नंबर 20 में आप तो ध्यान दीजिए कि क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आएंगे कि द्वितीय व्यक्ति यानी कर्म कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जानना जरूरी है। और आपने अपने कॉपी में सर्वप्रथम इस चैप्टर का नाम लिखोगे, द्वितीय व्यक्ति लिखोगे और इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखोगे। तो इसकी परिभाषा किताब में भी लिखी हुई है, मैं बताने जा रहा हूँ कि कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े, कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह जो होता है यानी विभक्ति चिन्ह जो है वो को होता है। तो प्रथम सवाल जो बनता है वो आपको यह परिभाषा बनती है कि कर्म कारक किसे कहते हैं, इसका प्रसर्ग क्या होता है, ये कौन सी विभक्ति के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं पाठ के अनुसार, एक प्रथम पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे जैसा कि आपके किताब में भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुशील ब्रह्मा मुहूर्ते निंद्राम त्यजति। बच्चों ध्यान देंगे, हर एक लाइन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा जो है तदा दंत मार्जनम स्नानम च करोति। तीसरा लाइन है स्नानम कृत्वा वस्त्राणि धारयति। चौथा जो है तत्पश्चात देवम् अर्चति। तो अब हम आते हैं इसके बारे में जानेंगे, इसके हिंदी अनुवाद को हम लोग जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो सुशीला यानी यह एक नाम है, पुल्लिंग है, तो यह निश्चित रूप से जब पुल्लिंग है तो यह प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। तो अगर हम इसके अनुसार शब्द को बनाए तो सुशीला, तो यहाँ पे सुशील है यानी एक सुशील। तो सुशील ब्रह्म मुहूर्ते यानी सूर्योदय से पहले, ब्रह्म मुहूर्ते का मतलब सूर्योदय से पहले निद्रा अर्थात नींद को त्यजति यानी त्यागना। तो सुशील सूर्योदय से पहले नींद को त्यागता है, इसका वाक्य होगा सुशील सूर्योदय से पहले नींद को त्यागता है। दूसरा वर्ण हम आते हैं तदा दंत मार्जनम स्नानम च करोति। तदा का अर्थ होता है तब, दंत मार्जनम अर्थात दांत साफ करना, दंत मार्जनम का अर्थ होता है दांत साफ करना या दांत को साफ करना, स्नानम यानी स्नान को। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे दंत मार्जनम यदि द्वितीय विभक्ति है तो, और स्नानम भी द्वितीय विभक्ति, तो बार बार हम लोग को का प्रयोग नहीं करते हैं। और च का अर्थ होता है और यहाँ पे करोति का अर्थ होता है करना। तो तब दांत मांजता है यानी दांत साफ करता और स्नान को करता है, यानी दांत साफ और स्नान को करता है। दूसरा लाइन भी आप जान गए होंगे। तीसरा लाइन हम आते हैं स्नानम यदि द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, जैसे बालकम हम बोलते हैं उसी तरह स्नानम यानी स्नान को। तो स्नान का अर्थ होता है स्नान को, कृत्वा का अर्थ होता है करके,
आप ध्यान दोगे यहाँ पे कृत्वा का अर्थ होता है करके। तो स्नानम कृत्वा कृत्वा वस्त्राणि वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। आप ध्यान दोगे कि ये नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों समान होते हैं। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। तो वस्त्रों को एक वस्त्र नहीं है क्योंकि वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि यानी बहुत सारे वस्त्र, यानी जब हम तैयार होते हैं तो सिर्फ गंजी ही नहीं पहनते हैं, है ना, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, बहुत सारे चीजों को पहनते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, धारण यानी धारण करना अर्थात पहनना, यहाँ पे आपको दिया गया धारण करना या पहनना। तो स्नानं कृत्वा वस्त्राणि धारयति यानी स्नान को करके वस्त्र धारण करता है, स्नान को करके वस्त्र धारण करता है। उसके बाद हम आते हैं तत्पश्चात। तत्पश्चात यानी आप इसके बारे में जानोगे, तत्पश्चात यानी उसके बाद, उसके बाद देवम अर्चति। देवम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो देवता को या देव को यानी देवता को, देवम का होता है देवता को या देव को, अर्चति यानी अर्चना यानी पूजा करता है। तो तत्पश्चात देवम अर्चति, तब उसके बाद वो देवता को, देवता को पूजता है या पूजा करता है, देवता की पूजा करता है। तो बच्चों ये जो भी मैंने बताया है इसमें हर एक पहलू को, हर एक शब्द को मैंने समझा दिया कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, कत्वा का होता है क्या। तो एक बार फिर से मैं एक बार फिर बताता हूँ कि सुशील ब्रह्मा होते यानी सुशील सूर्योदय से पहले नींद को त्यागता है, तदा दंत मार्जनम स्नानम च करोति, वो दांत दांत तब दांत को दांत और स्नान को करता है, स्नानम कृत्वा वस्त्राणि धारयति स्नान करके वस्त्र धारण करता है, तत्पश्चात देवम अर्चति उसके बाद देवता को पूजा करता है या देवता की पूजा करता है। बच्चों इस पैराग्राफ में जितने सारे शब्दार्थ यानी संस्कृत शब्दार्थ का शब्द आए हैं उसको आप लिख लोगे और फिर से इसको दोहराओगे और अपने कॉपी में लिख करके तैयार होगे। बच्चों आज के लिए इतना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तब तक के लिए।